चैनल पाकशाला पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं इम्यूनिटी ड्रिंक, यानी कि हम काढ़ा बना रहे हैं, वो जो कि हमें मौसमी बीमारियों से और अभी इस वक्त कोरोना का जो चल चल रहा है उसमें भी हमारे ये फायदा करेगा। ये काढ़ा यानी ये ड्रिंक बहुत लाभदायक है और स्वाद में भी अच्छा है। बच्चे बड़े इसको सभी ले सकते हैं अपनी अपनी मात्रा में। बच्चों को आप थोड़ा कम दे दीजिए, इसका आधा दे दीजिए, वरना ये बिल्कुल निरापद है, कोई नुकसान नहीं है और अपने स्वास्थ्य को बनाए रखिए। चलिए आइए हम शुरू करते हैं। हमारे इस इम्यूनिटी ड्रिंक के लिए हमें चाहिए सौंठ, हल्दी, काली मिर्च, दालचीनी, तुलसी और चीनी, और ऑब्वियसली पानी तो हमें चाहिए। चलिए अभी शुरू करते हैं। इसके लिए हम गैस ऑन करेंगे और इस पर हमने बर्तन रखा है, उसमें हमने 1 गिलास पानी डाला है। अब इस पानी में हम ये 1/4 चम्मच हमने सौंठ डाली है, उतनी ही हम 1/4 चम्मच हल्दी डाल रहे हैं और उससे थोड़ी सी कम हमने 1/4 काली मिर्च डाली है और उतनी ही हमको उसमें दालचीनी डालेंगे और साथ में हम तुलसी के 7-8 पत्तों को तोड़कर इसमें डाल देना है। और अब इसमें इसको हम उबलने देते हैं। साथ ही इसमें हम 1-2 चम्मच शक्कर डाल देते हैं। अगर आपको नहीं पिया जाता है, दिक्कत हो, तो आप इसमें थोड़ी सी चीनी और मिला सकते हैं। और हाँ, सर्दियों का टाइम हो तो आप इसमें शक्कर की जगह आप गुड़ भी डाल सकते हैं, और अगर आप बिना मीठे के पी सकते हैं तो बेस्ट है, सबसे अच्छी बात वही होगी। और ये हमारा इम्यूनिटी ड्रिंक है, जिससे कि देखिए अभी कोरोना का समय चल रहा है तो वैसे भी चाहिए, बहुत ज़रूरी है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। और वैसे भी हर मौसम में, बदलते मौसम में हम ये ड्रिंक बना के पी सकते हैं और हमारी इम्यूनिटी बढ़ाकर हम बीमार होने से बच सकते हैं। ठीक है, अब ये उबल रहा है, हमें इसे करीब से 3-4 मिनट इसे उबालना है ताकि इन चीज़ों का असर उसमें पानी में अच्छी तरह आ जाए। देखिए काफ़ी उबल चुका है, हमने धीमी आंच पर इसको 3-4 मिनट तक उबाला है। अब ये तैयार हो गया, अब हमें गैस को हम बंद कर देते हैं और इसे हम इसमें छान लेते हैं। ये हमने इसमें छान के इसको तैयार कर लिया है। अब हम इसे बस इतना इतना, ये हमारा एक तरह से इम्यूनिटी ड्रिंक बोलिए या इसे काढ़ा बोलिए, 4 जनों के लिए ये तैयार हो गया है। बस ये इतना इतना हमें लेना है और बस, अब दिन में एक बार आप इसे ले लीजिए, आपकी इम्यूनिटी बढ़ी रहेगी और आप बीमार भी नहीं होंगे। वैसे भी सर्दी, जुकाम, खांसी, बदलते मौसम में, हर मौसम में ये चीज़ काम आती है। बिल्कुल निरापद है, नुकसानदायक नहीं है, घर की बनी हुई है, घर की चीज़ें, हमारे किचन में से इसमें सारा कुछ आया है, बाहर का तो कुछ भी नहीं है, इसलिए ये बिल्कुल निरापद और स्वास्थ्यवर्धक है।